hello and welcome back to your literature segment and today we are going to study the next chapter of marigold and that's robinson cruz so basically robinson cruz is a class is a classic story in english literature written by daniel defoe this chapter for it is basically involved for you guys and you should know this story because he was the only person who was left on the island for 28 years alone एंड जिस शिप में वो ट्रैवल कर रहे थे बेसिकली एवरीथिंग वॉज लाइक डिस्ट्रॉयड बट रॉबिन्सन क्रूज वॉज द ओनली पर्सन वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड हाउ डिड ही सर्वाइव एंड वट ही डिड बेसिकली रॉबिन्सन क्रूज की स्टोरी का हमें एक एक्स्ट्रैक्ट आच पढ़ने वाले हैं ओके सो रॉबिंसन क्रूज इज young man who desired to go for a sea voyage like his elder brothers instead of becoming a lawyer in england he ran away from his home With his friends, he boarded a ship that was going to Guiana. Basically, uh, Robinson Crusoe ne ek lawyer banne ki baje, England se wo gaye ki mujhe ek ship par jana hai, and I want to travel the whole sea. And bina soche samjhe, he just left his home. Or ek din ki baat hai, when he just boarded a ship which was going to Guiana. Unfortunately, due to rough waters, the ship was wrecked and Robinson Cruise was the only survivor. But due to some issues. ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब सी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया जब प्रेशर था बहुत ज्यादा बहुत तेज हवा चलने लगी अननेसेसरी थंडरिंग एंड लाइटनिंग वॉज देयर एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड द शिप कांट कंट्रोल इट सेल्फ एंड द सेलर अलॉन्ग विद द अदर पैसेंजर्स वॉन्ड इन साइड एंड एवरी थिंग वॉज जस्ट डिस्ट्रॉयड सो ओनली द रॉबिन्सन क्रूज रॉबिन्सन क्रूज एक ऐसे पर्सन थे जो कि उस शिप पे सर्वाइव कर पाए एंड ही जस्ट मूव्ड

Well, he has lived over there for all the 28 years alone. So, this was the introduction. Now, let's see what extract you guys are going to read of this particular chapter. what you Once a man named Robinson Cruise was alone on the seaside. His ship was ruined by the sea. One Robinson Cruise was an island, and there was just a ship by his side. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज लिविंग इन नियर दी शोर बहुत टाइम के लिए उनके पास में कोई घर नहीं था वो सिर्फ एक छोटे से गुफा के अंदर रह रहे थे एंड ही रैन अराउंडली ट्राइंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ दैट समार की बात है कि रॉबिंसन क्रूज उस आईलैंड पे बिल्कुल अकेले थे और उनके अलावा वहां पर और कोई भी ह्यूमन नहीं रहता था सो ही वॉज कंफ्यूज एक दिन वो अपने केव से बाहर निकले एंड वॉट डिड ही सी कि वहां पर किसी के फुटप्रिंट्स थे एंड ही कि ओनली आई एम लिविंग ऑन आइलैंड तो फिर ये फुटप्रिंट्स किसके हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रहे हैं फ्रॉम फुट टू हिल वो जो फुटप्रिंट था वो बिल्कुल किसी इंसान का था जबकि उस आइलैंड पे कोई भी ह्यूमन बींग नहीं रहता था सो ही वॉज अ स्केर्ड की कहीं दूसरे आइलैंड के लोग मुझे मारने तो नहीं आ गए एंड ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर He then ran up the the hill and looked out in all the direction but found nothing. तभी वो एक बहुत ही बड़े उन्होंने no काफी ढूंढने की कोशिश करी पर उन्हें उस रेत पर सिवाय एक फुटप्रिंट के और कुछ भी नहीं मिला There was no doubt in his mind that the footprints were those of a man. It had five toes, a heel, everything. He remained thoughtful for a long time. The suspense finally got the better of him. He very confident that footprint Because five fingers footprint. And it was just looking like a proper human being leg. Okay? Suddenly he became fearful of some body's presence on the seashore. थोड़ी ही देर में उन्हें डर लगने लगा कि कहीं यहाँ पर कोई है तो नहीं जो कि शायद मुझे हाम करे ही वाज क्रिपल्ड विद फियर एंड रैन फास्ट टुवर्ड्स द केव टर्निंग बैक एट एवरी स्टेप टू सी whether he was being followed or not वो बहुत तेजी से अपनी गुफा की तरफ भागे पीछे मुड़कर ये देखते हुए कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है ही फाउंड ऑल द ट्रीज एंड बुशेस स्टेसिंग हिम मास्ट एज मैन वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वहां पर मौजूद हर एक पेड़ में हर एक झाड़ी में उन्हें सिर्फ किसी इंसान की ही शक्ल दिखाई दे रही थी माइट बी पॉसिबल ऐसा इसलिए बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन ओवर देर एंड देर वॉज नो वन सो ही वॉज स्केर्ड ऑफ पीपल बहुत टाइम तक तो लोगों के बीच में ना रहने की वजह से अब उन्हें डर लगने लगा था रॉबिन्सन क्रूज कुड नॉट स्लीप दैट नाइट उस रात वो नहीं सो पाए He stayed in his cave for many days. He got more and more afraid at night and remained inside for the whole time. He frequently prayed for his safety, and even as he tried to reason with himself, another more terrifying thought got his imagination completely. He started imagining a group of savages from the mainland caught in that current of the sea and landed on the island, found his boat. और ऐसे ही गुफा में बैठे बैठे उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे थे उन्हें कभी ये लग रहा था कि शायद जो लोग मेरे साथ में इस शिप पर थे कहीं वो वापस तो नहीं आ गए कहीं उनका गोस्ट या अफ्रेड क... कहीं वो लोग मुझे आकर अपने साथ ले ना जाए एंड जस्ट लाइक दैम आई विल ऑल्सो बी डेड वर नाउ लुकिंग एंड मी फॉर मेनी डेज ही केप थिंकिंग ऑफ दैट मार्क एंड रिमेन इन साइड फेयरफुल बहुत दिनों तक वो उसी पैर के निशान के बारे में सोचते अपने घर से बाहर नहीं निकले। करेज एंड वेंट आउटसाइड टू चेक फॉर एनी बडीज प्रेजेंस बहुत दिनों के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो अपनी गुफा से बाहर निकलकर ये देखने आए कि आप वहां पर कोई है या नहीं है ऑन रीचिंग देयर ही स्केल्ड हिज फुट विद दैट मार्क वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने पैरों को उस फुट मार्क के साथ मैच करा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ही हो और मैं इनसे ऐसे ही डर रहा हूँ बट इट वॉज नॉट लाइक दैट एंड फिर से उन्हें डर वही डर लगा कि ये मेरे नहीं है तो फिर ये किसके हैं एंड ही रैन टू हिज केव फीलिंग सम वन मस्ट बी देयर और वो वापस से भाग गए अपने केव की तरफ कि शायद यहाँ पर कोई है ओके okay.

What made Robinson Crus think that the print of the ground was a footprint? Because it has toes, heel, and all the parts of human foot. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Because he mistook every bush and tree to be a man. क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों तक अकेले रहने के बाद उन्हें ये डर था कि इन सभी में कोई ना कोई इंसान है और वो सब मुझे पकड़कर मार डालेंगे. Why did Robinson pray when he saw the footprint? He was afraid and he wants his protection. He was just afraid that somebody will come and kill me and eat me. The savages on that ship will come and eat me, and that's why he was praying for his survival. Okay, choose the right answer. Robinson can run, ran back to his home as fast as he could because he was afraid, was in a hurry to go home, was racing because he was very afraid. He could not sleep because there was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland because he thought savages have come from the mainland and they would take him back with them. Why was Robinson Cruz sure that was not his footprint? Because he had not come to his part of the beach in a long time. Because when he have a footprint, time Robinson Cruz's particular part. Okay, where was Robinson Cruz?

what would you do if somebody comes on your door and just knock it? i will go to the door and peep the hole that who's there in outside my door. okay, then only we will open the door. then i will ask who's there if there is someone. just say, then only i'll open the door. otherwise, i won't open the door. okay, so that's it for today and i hope that you understood the whole chapter. so if you have any queries, we will discuss it in the next class. thank you so much and have a nice day you <laughs>